सो गाइस आपने बढ़िया सा बी रोल देख लिया। सो रिव्यू को स्टार्ट करते एक्सटीरियर से। सो प्रीवियस वाली थी वो एस्टर से एकदम सेम टू सेम थी। सो दिस वन डिफरेंट एक्चुअली, क्योंकि आपको जो नीचे वो क्रोम दिख रहा है दैट्स डिफरेंट एंड ऑल्सो द ग्रिल इज ब्लैंक्ड आउट। और जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे है एंड चार्जिंग डिटेल्स अगेन द रेंज एंड एवरीथिंग विल बी वी विल कवर इन द ड्राइविंग वीडियो। एंड यहाँ पे जो हेडलाइट्स आप देख सकते हो वो एच आई डी है एक्चुअली, तो ऑल एल ई डी यूनिट आपको इस पर मिल जाती है, नो हेलोजन्स, सो दैट्स अ नाइस थिंग अबाउट इट। सो लेट मी जस्ट शो यू द फ्रंट एंड। सो इट्स मच बेटर लुकिंग देन बिफोर इन दिस करंट जनरेशन। और जो अलॉय व्हील्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो द प्रोफाइल साइज इज 21555R17 विच इज एडिक्वेट इनफ फॉर दिस साइज ऑफ व्हीकल। एंड एक्चुअली ये जो है ये कैप्स है एंड द अलॉयज आर बिहाइंड दिस, और ये किया गया है टू इम्प्रूव द एरोडायनामिक्स ऑफ द व्हील। सो यू कैन सी, लेट मी शो यू द होल साइड प्रोफाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इट लुक्स प्रोपोर्शनेट फ्रॉम माय साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो जो छोटे छोटे स्टाइलिंग एलिमेंट्स है वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं पे, क्रोम स्ट्रिप भी मिल जाती है एंड जो बॉडी लाइन है वो भी यहाँ से कंटिन्यू होके ऐसे जाती है। आई थिंक इट्स थ्रू आउट द कार, हाँ तो वो थोड़ी सी टेल लाइट में मर्ज होके फिर अगेन इट कंटिन्यूस। और ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं, यू कैन सी, आई डोंट थिंक इफ दे आर फंक्शनल और नॉट। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स भी मिल जाते हैं और ये पार्ट क्रोम आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं एंड ये ब्लैक कलर में है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का बैज भी आपको मिल जाता है। सो लेट मी शो यू जस्ट वंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक बैज, या सो फ्रॉम द रियर क्वार्टर इट लुक्स समथिंग लाइक दिस विच इज एक्चुअली गुड इनफ एंड द टेल लाइट्स डिजाइन ऑफ द टेल लाइट्स इज ऑल्सो वेरी नाइस, तो वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड यहाँ पे आपको MG का लोगो मिलता है एंड फ्रॉम हियर इज वेयर यू ओपन द बूट, या सो दिस इज योर बूट कैपेसिटी एंड इट्स बिग इनफ फ्रॉम फॉर मेनी ऑफ द यूजर्स, तो काफ़ी बड़ा बूट आपको मिल जाता है। एंड हियर इज अ लाइट चार्जिंग पोर्ट, आई डोंट सी एनी ऑफ देम, तो चार्जिंग पॉइंट आई डोंट थिंक सो इट हैव, इट हैज़ इन द रियर, पीछे नहीं लगता मुझे कि ये चार्जिंग पोर्ट है। और नीचे लेट्स सी, ओ सो इट्स अ फुल साइज स्पेयर व्हील, आई लाइक दैट। और यहाँ पे आप प्रोफाइल देख सकते हो वही सेम 21555R17, सो द टायर्स आर बिग इनफ फॉर दिस साइज ऑफ कार, मतलब इस काइंड ऑफ कार में उतने आते हैं। एंड अगेन 16 इंचर्स होते देन इट वॉज अ कंप्लेंट फ्रॉम माई साइड, बट इट्स 17 सो इट्स एडिक्वेट इनफ। और यहाँ पे आपको इंटरनेट इनसाइड की भी बैजिंग आ जाती है, सो इट्स इट हैज़ कनेक्टेड कार्टेक एंड सेम जो फ्रंट वाला डिजाइन लाइन एलिमेंट था वही रियर में कंटिन्यू किया गया है एंड इट्स ऑल पियानो ब्रैक। अगेन ये ब्लैक कलर है तो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, बट अगेन इफ यू बाय इन वाइट और समथिंग एल्स आई डोंट थिंक यू कैन सी और नॉट, आप देख सकते हो दैट्स द सिल्वर वन, तो वहाँ पे एक्चुअली वैसा दिखता है। लेट मी जस्ट क्रॉस इट, आपको चार्ज यहाँ पे कुछ नहीं मिलता बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रिक कार एंड द चार्जिंग पोर्ट इज इन द फ्रंट। और आपको जो बाहर के मिरर्स है ORVMs वो भी डिसेंट साइज्ड है, सो छोटे नहीं होंगे एंड विजिबिलिटी इज ऑल गुड, क्योंकि मैंने बैठ के देखी। एंड जो भी अच्छी बात है मैं सारी बताऊंगा एंड अगेन कुछ नेगेटिव्स रहेंगे तो वो भी हम बात करेंगे। सो इट्स अ ऑनेस्ट रिव्यू। और आपको एरोटिन वाइपर्स मिल जाते हैं, सो दीज आर गुड क्वालिटी वाइपर्स, नो कॉस्ट कटिंग देयर। एंड एक्सटीरियर से आई थिंक इट्स अमेजिंग, आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि छोटी है बट आई डोंट थिंक छोटी है, बट इट्स इलेक्ट्रिक कार। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपको ऐसी कुछ फिनिश मिल जाए, दीज आर हार्ड प्लास्टिक्स, यहाँ पे सिल्वर पैटर्न है यहाँ पे एंड लेट्स
स्टार्ट द इग्निशन ऑफ द कार। यहाँ पे आपको एमजी का लोगो मिल जाता है। ओ भाई लग जाएगा कॉपीराइट अभी। यहाँ पे एमजी का लोगो आपको अगेन मिल जाता है। सो इट्स शोइंग अ विश यू हैव अ लवली डे। थैंक यू। 30%। सो इट्स शोइंग 99 किलोमीटर्स ऑफ रेंज 30%। Today's weather is mostly cloudy, 27.8 degrees Celsius. Thank you. इतने भी डिटेल हमें नहीं चाहिए अभी। So let's take a look of the finish of the interior. I like the AC vents. Design इसका काफी अच्छा है. And so ये functional नहीं है. It is a design bit. And here is from where you can close or open the vent. And this is in leather finish. सो कॉस्ट कटिंग इतनी नहीं लगती मुझे इसमें। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट टच। दिस इज योर हैंडल, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच। एंड लिसन टू द थर्ड ऑफ द डोर। तो थर्ड तो है और बिल्ड क्वालिटी बैठने में ऐसी लगती है हाँ कि है कुछ। और यहाँ पे आपको गियर लीवर मिल जाता है, रिवर्स न्यूट्रल पार्किंग। यहाँ पे अगर ये प्रेस करते हो और दिस इज द डी, दिस इज व्हेन यू प्रेस दिस द बैटरी इंफॉर्मेशन शोज अप। यहाँ पे आपको बताएगा मंथ ईयर कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप बचा रहे हो। सो व्हेन यू सी द फिगर्स यू फील वेरी प्राउड। सो उसी के लिए बाकी सेटिंग्स सारे आपको व्हीकल सेटिंग्स इसमें मिल जाती है। एंड इट हैज यू कैन सी योर ड्राइवर असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन अलर्ट। सो इट हैज ऑल द ऑटोनोमस फीचर्स एज वेल। लैंप, अच्छा अभी फॉलो मी लैंप्स का यहाँ पे आप सेटिंग रख सकते हो। फाइंड मार्क, अच्छा फाइंड माई कार हॉन्क भी करेगी अगर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स है, मतलब इट्स नॉट दैट इट डजेंट हैव फीचर्स फॉर व्हाट द प्राइस इज। और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी बड़ा है। आई थिंक इट्स अ 10.1 इंच यूनिट एंड सेम गोज हियर। आई थिंक इट्स अ 8 इंच यूनिट। और यहाँ पे आपको मोटर की आरपीएम भी दिखती है। सो यू हैव आरपीएम इन कार्स एज वेल एंड इन मोटर ऑल्सो। यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हो 395, सो इट्स हाई इनफ। और यस, सो लेट्स ब्राउज। दिस इज योर टीपीएमएस। ओके, सो द राइट टायर हैज अ लो प्रेशर। What does it show? Current journey. So this is the intensity of your MID. और MID की design काफ़ी अच्छी है वैसे, whole digital unit है। And this is how your steering wheel looks. तो पकड़ने में it's leather wrapped, so feels nice. और इतना बड़ा भी नहीं है, so it's adequate sized. And let's listen to the horn. So horn is also very nice. It's not meek, काफी loud है and I like the voice of the horn. Yes, so here is your silver finish as well. और ये जो है piano black finish में, और ये थोड़ा सा I think it's no, this is your carbon fiber finish and I think it's a brushed effect here. और यहाँ पे आपको automatic parking, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग और ऑटो होल्ड भी मिल जाता है इसमें। एंड फ्रॉम हियर यू कैन क्लोज और ओपन एंड यूज इट एज अ कप होल्डर। दो दो कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो दो USB है, वन इज टू कनेक्ट एंड वन इज टू चार्ज। और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी आता है। आई डोंट थिंक इफ यू कैन सी, हाँ यू कैन सी मच बेटर नाउ। तो ओवरऑल इंटीरियर अगर हम देखें, दिस इज हाउ इट लुक्स। आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा एक्सटेंडेड आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। और जो सीट्स है वो लेदर की है एंड द बोल्स्टर्स आर वेरी नाइस। तो ये आपको सीट पकड़ के रखती है एंड लेटर व्हेन वी विल ड्राइव वी विल नो हाउ सपोर्टिव आर दैट सीट्स व्हेन यू आर ड्राइविंग। यहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम, होम, AC ऑन ऑफ। ये आपके जो फ्रंट में
डिफॉगर रहते हैं उसका है, ये रियर डिफॉगर एंड दिस इज टू एडजस्ट योर फैन स्पीड, बट यू विल हैव टू एडजस्ट इट फ्रॉम हियर, इट विल मेक अ नॉइज इज विल। और इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी आता है, 3D व्यू। द रिजोल्यूशन इज नॉट द बेस्ट, बट हाँ काम चल जाएगा आपका, जो आपको इंफॉर्मेशन मेन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। दिस इज आउट यू कैन गो टू ओके। अच्छा तो यहाँ पे लाइन्स भी दी हुई है, व्हेन यू विल टर्न योर स्टेयरिंग व्हील इट विल टर्न एज वेल। साइड कैमरा आप इंडिविजुअली ऐसे देख सकते हो, आप देख सकते हो ऐसे, सो दिस इज नाइस इनफ। तो ओवरऑल काफी अच्छी कार है, और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आपको पूरी मिल जाती है टिल द एंड। और ओके सो अगर आप डोर ओपन करते हो तो आपको लैंप ऑन चाहिए ऑफ, वो है उसका बटन है, एंड दीज आर योर लाइट्स, सो वाइट LED इज देयर एज वेल। और यहाँ पे भी आपको मिरर मिल जाता है, और यहाँ के मिरर पे लाइट नहीं है एक्चुअली, इट्स जस्ट मिरर एंड दिस इज सम सॉफ्ट हेडलाइनिंग एज वेल, एंड दिस इज हाउ यू शट योर ब्लाइंड, बट वी डोंट हैव टू राइट नाउ। एंड ये वन टच है, काफी कार्स में पकड़ के रखना पड़ता है, लेट्स सी इफ इट्स सेम फॉर द सनरूफ। यस तो वन टच में ही ओपन हो जाता है, ओके सो लेट्स क्लोज इट, एंड दीज आर योर हैंडल्स। तो ओवरऑल फ्रंट एक्सपीरियंस इज गुड इनफ, और इफ आई एडजस्ट अकॉर्डिंग टू माई ड्राइविंग स्टाइल द सीट्स, दिस हैज इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट फॉर द सीट्स, 6-way एडजस्टेबल है ये एक्चुअली में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप मिरर एडजस्ट कर सकते हो, एंड दिस इज योर हेडलाइट लेवलर। यस सो दिस इज माई, तो अभी मैंने फुल पीछे करके रखे थे बी रोल लेने के लिए, एंड ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। लेट्स गेट इन द बैक। बिफोर गेटिंग बैक, अगर हम IRVM की बात करते हैं तो ये डे नाइट वाला है, पर मैनुअल है। आई एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक, या फिर आप बोल सकते हो ऑटो डिमिंग एट दिस प्राइस पॉइंट, एंड देयर इज अ USB पोर्ट हियर, सो आई थिंक दैट इसमें जो अपना ये रहता है डैश कैम, उसकी फुटेज सेव होती रहेगी, एंड यू कैन देन टेक इट आउट फ्रॉम द पेन ड्राइव और सो। और यहाँ पे आपको ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। तो इसका स्पीकर टेस्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, एंड इट हैज 6 स्पीकर्स, सो लेट्स गेट इन द बैक। सो हियर वी आर इन द बैक, और यहाँ पे आप देख सकते हो डोर्स ये डिजाइन ऐसे कुछ है, और यहाँ पे स्ट्रेट स्टिचिंग भी आ जाती है। डोर्स डू शट विद अ थर्ड, और अगर हम स्पेस की बात करें सो देर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस। मेरी हाइट है 5'10", और जो अंडर थाई सपोर्ट है इट्स ऑल्सो डिसेंट इनफ, एंड जो हेडरूम है वो भी डिसेंट इनफ है। 6 ओवर 6 फुट देर माइट बी अ प्रॉब्लम, बट टिल 6 फुट इट विल बी फाइन। और यहाँ पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। दिस इज हाउ यू ओपन एंड क्लोज, प्रैक्टिकल इनफ, एंड यहाँ पे आपको सीट बेल्ट भी मिल जाता है फॉर द थर्ड पैसेंजर एज वेल, एंड दिस इज योर मैगजीन होल्डर। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल बिट्स, यहाँ पे आपको 1 लीटर की एक बॉटल आराम से आ जाएगी, इवन ऑन द फ्रंट एज वेल आप देख सकते हो। सो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये अराउंड 29 लाख तक जाती है ऑन रोड पुणे, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है प्राइस। अगेन इट्स एक्सपेंसिव ऑन हरियाणा एंड दैट साइड, बिकॉज वहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलती। पुणे में शायद से 29 या 28 लाख तक है, सो शायद से इसमें सब्सिडी मिलती है। एंड अगेन
सब्सिडी का मैंने सुना था कि मतलब नितिन गडकरी जी ने नया रूल लाया है, ऐसे मैंने सुना था कि पर किलोवाट यू गेट 5000 ऑफ. सो लेट्स सी हाउ मच ट्रू इट इज इट और इट इज नॉट. और यहाँ पे आपको एयरबैग्स भी मिल जाते. सो इट हैज 6 एयरबैग्स एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. अगेन आपको लेनी है अब आप यहाँ पे आ सकते हो बीयू भंडारी. और यहाँ पे आपको ईवी का चार्ज स्टेशन भी मिल जाता है अगर आप पुणे मुंबई कर रहे हो और अगर आपको चार्ज करना है तो ये वही हाईवे पे आता है. सो यू कैन डेफिनेटली गेट अ चार्जर्स हियर. और चार्जिंग स्टेशन एक्चुअली वहाँ पे आगे आगे की साइड है अगर आप आगे जाते हो तो. और दैट्स ऑल. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि अभी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू टर्न माई पैशन इन टू अ करियर. तो इफ यू कैन हेल्प दैट्स अ गुड थिंग. एंड सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब कितना ही जाता है, आज ही सेकंड लगती है सब्सक्राइब करने में. और लाइक भी दे दो क्योंकि जितने लाइक्स आप ज़्यादा करोगे उतनी मेरी वीडियो प्रमोट होगी थ्रू यूट्यूब. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना. एंड अगेन आपको लेनी है तो आप आ सकते हो बीयू भंडारी, आपका वाकड़ में आ जाता है पुणे में. सो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट. एंड चले मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.